हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन और जीविका के ये मॉडल पेपर 16 लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे तब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का होता है उसका 2πr, 2πr होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। और क्षेत्रफल यदि पूछेगा तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। तो हम लोग निकाल लेते हैं वृत्त की परिधि, तो 2π का वैल्यू 22/7 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, गुना आर कितना दिया है, आर दिया है 10.5, 10.5, इसको हम बटे 10 करके पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है। ये आपका 15 से कट जाएगा और ये 5 दुना 10, ये हो गया 11। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो आंसर आ जाएगा, 11 तिया 33 दुना 66 आपको आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश जो है 8500 रुपया जो है सॉरी 85,000 के साथ जो है एक व्यापार शुरू करता है तथा पायल जो है 1,02,000 के साथ जो है उससे जुड़ जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ जो है 1:1 में विभाजित किया जाता है तो पायल आकाश से कितने महीने बाद जो है जुड़ी होगी, कितने महीने बाद जो जुड़ी है, जो दोनों का जो है लाभ का जो है परसेंटेज 1:1 के रेशियो में उनको मिला है। हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 85,000 पे आकाश को जो है 12 मंथ में इसको लाभ मिला होगा, ठीक है, जो भी लाभ मिला होगा। और रेशियो जो है इसको हम ले लेते हैं पायल का जो है 1,02,000 जो है इसका हमको पता नहीं है कितने मंथ में, यही निकालना है हमको कितने मंथ में करना है। तो कितने मंथ में इसको लाभ मिला होगा ये देखना है हमको, तो ये निकाल लेते हैं कितने मंथ में लाभ मिला है। दोनों का रेशियो हो जाता है वो 1:1 के रेशियो में हो जाता है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 6 हो गया, ये 51 से कट गया, फिर काट सकते हैं 3 से 3 गुना 6 17 17 25 85। एक्स का वैल्यू जो हमको आ जाएगा ये 10 मंथ आ जाएगा, ठीक है। 10 मंथ में इनको लाभ मिला जितना इनको 12 मंथ में मिला, 12 मंथ में जो आकाश को लाभ मिला है वो आपको पायल को 10 मंथ के में ही मिल गया, ठीक है। तो कितने मंथ के बाद जुड़े है, तो 12 महीने से 10 करेंगे तो ये 2 मंथ के बाद जुड़ी होगी, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाली जो है प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। सभी 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। 1 अंक वाली संख्या 1 से लेकर 9 तक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं 2 अंक की, 10 से लेकर जो होगा 99 तक होगा, 3 अंक वाली 100 से लेके 99 तक होगा, ये हो जाएगा तीनों का। और यदि हम इसको पूरा टोटल लिख लेंगे तो 1+2+3, इसका औसत बोला निकालने के लिए, +++99 तक जाएगा, ये 999 तक जाएगा। तो इसका हम एक फॉर्मूला बताए थे, n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है n(n+1)/2 होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसका औसत हम लोग निकाल लेंगे फिर। तो ये हो जाएगा n का वैल्यू 999 हो जाएगा, 999 गुना 1000 हो जाएगा यहाँ पे बाय 2। और औसत निकालने के लिए जितना संख्या है तो कितना संख्या होगा वहाँ पे, तो 999 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कट गया 500 और ये कट गया, तो ये आंसर आ जाएगा 500, औसत जो होगा वो 500 होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा बी, ठीक है, तीन का जो होगा ऑप्शन बी जो होगा वो सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक खिलौना को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने पर जो है 20% की हानि होती है। ठीक है, खिलौने के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि जो है क्रय मूल्य जो हो गया, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, 100 रुपया है क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य जब जब करेंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपको 100 - 20, मतलब 80 रुपया हो जाएगा। 20% हानि है तो 100 - 20 हो जाएगा। और हमको यहाँ पे विक्रय मूल्य ही ये है, अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने पर, ये विक्रय मूल्य हो गया 20/31 अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य हम विक्रय मूल्य इस तरह से हम लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा, अंकित मूल्य निकालना, अंकित मूल्य क्या है, एक्स का जो है 20/31। ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 80 है, एक्स का 20/31 हो गया। यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, 80 - 31/20, 20 चौके 80, यहाँ हो जाएगा 124 निकल जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो जाएगा आपको 124। और यहाँ पे जो रेशियो पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे, रेशियो बराबर हो जाएगा 124/100। क्रय मूल्य क्योंकि 100 है, अंकित मूल्य 124 है, ये हो जाएगा आपको 31, ये हो जाएगा 25। तो 31:25 जो होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। ठीक है, ये माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, हम 100 रुपया पहले मान लिए, विक्रय मूल्य जो हो गया 100 में से 20 हो गया, मतलब 20% हानि है तो 80 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य, 20 रुपया का लॉस हो गया एक तरह से समझिए। तो फिर हम लोग विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का जो है 20/31% है, तो अंकित मूल्य हम एक्स मान लिए। ठीक है, विक्रय मूल्य 80 रुपया, हम लोग को यहाँ पर पता है 80 रुपया है, तो 80 का यहाँ पे हो गया, और एक्स एक्स मान लिया अंकित मूल्य, एक्स का जो है 20/31% जो है विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे हमको अंकित मूल्य निकल गया 124। अब दोनों का रेशियो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक 900 मीटर चौड़ी सड़क को जो है 120 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी गति जो है किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है, किलोमीटर पर घंटा में। पहले सिंपली हम इसका चाल निकाल लेते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है चाल बराबर फॉर्मूला। तो दूरी कितना है, दूरी है 900 मीटर और टाइम जो है 120 सेकंड है, 120। और यदि हम इसको किलोमीटर पर घंटा में यदि इसको करेंगे, इसमें हम लोग तो जो है 18/5 से गुना करना होगा, 18/5 से हम लोग गुना करेंगे, तो ये आपको किलोमीटर पर घंटा में ही बदल जाएगा। ठीक है, तो बस हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 6 2 12, 36 18, ये 45 कट गया, ये 9 से कट जाएगा, तो 9 3 27 आंसर आ जाएगा आपका, 27 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन नंबर जो होगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद जो है लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता होगा। यहाँ हम लोग पहले ही बोले थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग ABCD पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है आपको ये सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं लिख लिया हूँ, देखिए अब क्वेश्चन में किस तरह से लॉजिक लगा है। ए के बाद डी है, ए के बाद डी है, तो यहाँ पे दो लेटर छोड़ा गया है, ए के बाद डी, यहाँ दो छोड़ा गया है, फिर डी के बाद एच है, डी के बाद एच लिया गया है, एच लिया गया तो तीन छोड़ा गया है, देख सकते हैं तीन छोड़ा गया है, उसके बाद एच के बाद एम है, एच के बाद एम, एम के बाद देखिए यहाँ पे चार लेटर छोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा चार लेटर छोड़ा गया, उसके बाद एम आया, देखिए पहले दो उसके बाद तीन उसके बाद चार, अब कितना आएगा, पांच लेटर छोड़ेंगे एम के बाद, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमको छोड़ना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लेटर क्या होगा, एस, तो सही
एस क्या होगा, सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में अरुणा तथा विमला के बीच जो है 8 लड़कियां हैं तथा अरुणा पंक्ति में सबसे पहली है, पहली लड़की है, विमला जो तथा चेतना के मध्य जो है 5 लड़कियां है, विमला तथा चेतना के मध्य जो है 5 लड़कियां है, यदि चेतना के पश्चात जो है 14 लड़कियां है तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी। मान के चलिए वो पंक्ति है, एक पंक्ति है, ठीक है, यहां पे है आपको अरुणा और यहां पे जो है आपको विमला, पहले स्थान पे अरुणा है, लास्ट स्थान पे मान के चलिए विमला है, अभी जितना भी जितना क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से अभी तक, ठीक है। इसके बीच में जो है 8 लड़कियां हैं, इसके बीच में 8 है, तो मतलब अभी टोटल कितना लड़की होगा यहाँ पे, 8 अरुणा और विमला मिला के 10 हो जाएगा यहाँ पे, अभी अभी 10 है इस पंक्ति में। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन, विमला तथा चेतना के मध्य 5 लड़कियां हैं, एक चेतना एक आ गई है, विमला और चेतना के मध्य जो है 5 लड़कियां, यहाँ पे मान के चलिए हम चेतना मान लेते हैं, यहाँ पे चेतना है, इसके मध्य जो है 5 लड़कियां है, तो इधर कितना बच जाएगा, इधर आपको 2 बच जाएगा, 5 2 7 1 8, क्योंकि अरुणा और विमला के बीच 8 है, तो यहां देखिए 2 यहां बचेगा, तब तो ये 2 1 3 5 8 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं अरुणा और ये चेतना के बीच जो है, चेतना के बीच जो है 2 लड़कियां हैं, ठीक है। और अब लास्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, लास्ट है, यदि चेतना के पश्चात जो है 14 लड़कियां हैं, चेतना के पश्चात, चेतना छोड़ के बोल रहा है, यहां से आगे जो है 14 लड़कियां और है इस पंक्ति में, 14 लड़कियां जो है और है, तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं, मिनिमम बोल रहा है कितनी लड़कियां हैं, तो चेतना हम जोड़ लेते हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस पंक्ति में, यहां से यहां तक जो होगा टोटल 14 है, चेतना को लगा लेंगे तो 15 हो जाएगा, और इधर जो है 3 है, तो 15 3 18 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। ठीक है, समझिएगा, ड्रॉ करके मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम 18 हो जाएगा, यदि हम विमला के आगे चेतना ले लेते हैं तो और भी ज्यादा आपको लड़कियां हो सकता था, मगर मिनिमम यहाँ पे 18 लड़की होगा ही होगा इस पंक्ति में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वो है रेस्ट, ठीक है, वो है रेस्ट, क्योंकि इसमें आपको टी नहीं है, टी देखिए टी इसमें नहीं है, टीसीएस में टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है रिंग्स को स्कॉम्प्ट लिखा जाता है, इस कोड भाषा में जो है फ्राइड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो उसी तरह से हम लोग इसको भी ABCD आप पहले लिख लीजिएगा तो बहुत इजी वे में आपको बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, ABCD मैंने लिख लिया हूँ, आप देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा, देख लेते हैं, RINKS, ठीक है, R की जगह S यहाँ पे लिया गया है, तो R की जगह S देखते हैं किस तरह से लिया गया, RS, तो नेक्स्ट लेटर लिया गया है, पहला जो है नेक्स्ट लेटर लिया गया है, प्लस 1 कर देते हैं यहाँ पे कोड हम समझने के लिए, I के बाद क्या लिया गया देख लेते हैं, I यहाँ पे है, I के बाद K लिया गया, तो एक लेटर छोड़ दिया गया, दूसरा लिया गया है, ठीक है, दूसरा लिया गया, तो यहाँ प्लस 2 कर देते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा N O के बाद O, फिर पहला एक ही लेटर लिया गया तो प्लस 1 कर देते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं K के बाद M, K है, K के बाद M, एक लेटर छोड़ दिया, दूसरा लेटर लिया गया, तो देख सकते हैं पहले नेक्स्ट लेटर लिया गया, उसके बाद एक लेटर छोड़ के लिया गया, फिर नेक्स्ट लेटर लिया गया, फिर एक लेटर छोड़ के लिया गया, तो इसी तरह के लॉजिक से हमको ये फ्राइड का हम लोग देखना होगा, तो F के बाद नेक्स्ट लेटर हमको लेना है, तो F के बाद क्या होगा, F के बाद G होगा, G ले लेते हैं, उसके बाद R के बाद 2 लेटर छोड़ना है, तो R के बाद देख लेते हैं, R के बाद T हो जाएगा, तो T हो गया, I के बाद देख लेते हैं, I के बाद J हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन तो एक ही हमको मिल रहा है, G से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा D जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में जो है गुणा को प्लस को प्रदर्शित करते हैं, भागा गुणा से प्रदर्शित करते हैं, माइनस को भागा से
प्रदर्शित करते हैं, तो प्लस को माइनस से प्रदर्शित करते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, बस अपना इसमें साइन चेंज कर दीजिएगा, जो जो साइन जो बोल रहा है, तो आपको आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है आपको डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 11 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में जो है सेल की पहचान जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? वो करता है एड्रेस, एड्रेस करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि सोशल जीके का क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप लोगों के लिए जो होगा बहुत बेनिफिशियल होगा इस एग्जाम में, तो आप लोग सोशल जीके का क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है, तो जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम जो है, परम सुपर कंप्यूटर का नाम है, इसका निर्माण जो है कहाँ किया गया था? यह किया गया था पुणे में, पुणे में इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? क्वेश्चन बहुत बार हम बना देख चुके हैं, हम लोग के प्रैक्टिस सेट आप देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, गणना एवं तर्क, कैलकुलेशन एवं लॉजिक पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर, कैलकुलेशन एवं लॉजिक, गणना एवं तर्क पे जो है डिजिटल कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? जिस टाइम में कंप्यूटर बना ही था, मतलब शुरुआती पीढ़ी का जो है, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर जो है वो निर्वात ट्यूब से बना रहता है, वैक्यूम ट्यूब से बना रहता था पहले, प्रथम फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब से बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, तो वो है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है बिहार में कहाँ है? एशिया का पहला जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थित है? वो है आपको पटना में, पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएम का क्या है? जीएम क्या है? जीएम जो है आपको एक ऑनलाइन गवर्नमेंट मार्केटिंग है, ऑनलाइन गवर्नमेंट मार्केटिंग है। जीएम जो है ऑनलाइन गवर्नमेंट मार्केटिंग है, इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है जीएम का फुल फॉर्म, ठीक है, जीएम का फुल फॉर्म होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईईसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सूचना शिक्षा और संचार, सूचना शिक्षा और संचार होता है फुल फॉर्म इसका, आईईसी का फुल फॉर्म हो जाता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, आईईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना शिक्षा और संचार, हिंदी में हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत जो है किसान को एक हेक्टेयर में 20% से कम क्षति होने पर कितनी सहायता राशि जो है मिलती है? बिहार राज्य फसल योजना के तहत जो है किसान को एक हेक्टेयर में 20% से कम की क्षति होने पर जो है कितनी सहायता राशि मिलती है? ये आपको मिलती है 7500, 7500 रुपये मिलती है, 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल ऑडिट टीम का जो मुख्य कौन होता है? सोशल ऑडिट टीम का जो है मुख्य जो होता है, प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? वो होता है वार्ड के बाहर का व्यक्ति, वार्ड का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वार्ड का बाहर का व्यक्ति होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बी आर जी एफ जो है क्या है? बी आर जी एफ जो है वो क्या है? वो है एक पिछड़ा क्षेत्रीय अनुदान कोष, पिछड़ा क्षेत्रीय अनुदान कोष, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पिछड़ा क्षेत्रीय अनुदान कोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट जो है ग्राम सभा को किस अवधि में जाना चाहिए? सामाजिक अंकेक्षण जो है सोशल ऑडिट ग्राम सभा के किस अवधि में जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ए, 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत जो है
केंद्रीय सहायता का पैमाना क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत जो है केंद्रीय सहायता का पैमाना क्या है, यह है 200 रुपया प्रति माह, 200 रुपया पर मंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने किलोग्राम अन्नपूर्णा योजना के तहत जो है खाद्यान्न दिया जाता है? कितने किलोग्राम जो है अन्न जो है अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न दिया जाता है? वो है 10 किलोग्राम खाद्यान्न जो है चावल और गेहूं जो है मिलके 10 किलोग्राम दिया जाता है, 10 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत जो है सहायता राशि कितनी है? राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत जो है सहायता राशि कितनी है? वो है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ऑप्शन नंबर सी है, 10,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, IGOAPS इंदिरा गांधी ओल्ड असिस्टेंट पेंशन स्कीम जो है के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक रहे, इंदिरा गांधी ओल्ड असिस्टेंट पेंशन स्कीम के तहत जो है आवेदक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 65 साल, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, IGWPS इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम के तहत जो है आवेदक की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 40 से 64 साल, 40 से 64 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है एक उप योजना SBEP का पूरा नाम क्या है? SBEP का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है एक योजना है, उप योजना है आजीविका का ही, SBEP का पूरा नाम पूछ रहा है, तो वो उसका फुल फॉर्म होता है ए स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, विलेज और इंटरप्रेन्योरशिप दोनों मिक्स कर दिया गया है यहाँ पे, तो विलेज इंटरप्रेन्योरशिप है इसका फुल फॉर्म 28 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, SBEP के अंतर्गत उद्यम शुरू करने के लिए जो है किस माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है? SBEP के अंतर्गत जो है उद्यम स्टार्टअप जो भी बिजनेस शुरू करने के लिए जो है किस माध्यम से जो है जो लोन है ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है? वह है स्वयं सहायता समूह से, स्वयं सहायता समूह में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है कितने आयु होने पर जो है 50% तक पैसा निकाल सकते हैं? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है कितना आयु एज होने के बाद जो है 50% जो है आप पैसा निकाल सकते हैं? वो है 18 साल होने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BRLPS के अंतर्गत चल रही योजना SJY का पूरा नाम क्या है? SJY का फुल फॉर्म पूछ रहा है, वो होता है सतत जीविकोपार्जन योजना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन पहले किस नाम से जाना जाता था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन जो है ये पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले जाना जाता पूरा नाम से, पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो है जीविकोपार्जन अंतराल निधि कितने महीने तक मिलती है? सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो है जीविकोपार्जन अंतराल निधि जो है कितने महीने तक मिलती है? वो मिलती है आपको 7 महीने तक, 7 मंथ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्योग योजना के तहत लोगों को कितने समान किस्तों में ऋण चुकानी पड़ती है? कितने किस्तों में जो है ऋण चुकानी पड़ती है? वो 50 किस्त में चुकानी पड़ती है, जो लोन है 50 किस्तों में चुकानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार कैबिनेट कमेटी ने एसिड पीड़ितों के लिए जो है 40% विकलांगता के मानदंड को समाप्त कर कितना पेंशन देने का फैसला किया है? ये किया है आपको 500, 500 देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार सरकार अब प्रत्येक लड़की को उनके जन्म के समय से लेकर उनके स्नातक स्तर तक कितने रुपये तक मदद करेगी? कितने रुपये तक मदद करेगी? वो करेगी 54,000 रुपये तक, 54,000 रुपये तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2018 के तहत एक परिवार की कितने बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा? वो मिलेगा 3 बालिकाओं को, ऑप्शन नंबर 3 बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस योजना का नाम बताएं जिसका उद्देश्य जो है उन वरिष्ठों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, हालांकि जो नागरिक पात्र हैं उन्हें NOAPS के तहत खुला रखा गया है, वो होगा आपको अन्नपूर्णा योजना के तहत। अन्नपूर्णा योजना के तहत NOAPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नामांकन प्रतिधारण बढ़ाने की दिशा में HMHRD के जो है माध्यम से कार्यक्रम का सही नाम क्या है? और उपस्थिति और एक साथ बच्चों के बीच जो है पोषण स्तर में सुधार, ठीक है? तो 39 का जो आंसर है आपको वह है बी, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है? प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिनियम के अनुसार MDM योजना के तहत जो है भोजन परोसने का स्थान कौन सा है? अधिनियम के अनुसार MDM योजना के तहत जो है भोजन परोसने का स्थान कौन सा है? वो है आपको स्कूल में कहीं भी, स्कूल में कहीं भी आप भोजन परोस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल के हेडमास्टर या हेड मिस्ट्रेस को उपलब्ध किसी भी फंड का उपयोग करने का अधिकार होगा जब अस्थायी रूप से स्कूल में मिड डे मील MDM योजना को जारी रखने के उद्देश्य से विद्यालय में खाद्यान्न, खाना पकाने की लागत आदि की अनुपलब्धता हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ये पूरी तरह से सच है, जो भी इसमें जो बोला गया है वो पूरी तरह से सच है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो है उपकर 50% लगाया गया है, किस क्षेत्र में लगाया गया है? वो लगाया गया है सी, हाई स्पीड डीजल में, हाई स्पीड डीजल में जो है उपकर लगाया गया है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन PMGSY का प्राथमिक उद्देश्य है? कौन सा प्राथमिक उद्देश्य है? यह ग्रामीण क्षेत्रों में असंबंधित आदतों के लिए सभी मौसम की कनेक्टिविटी, जो रोड वगैरह जो भी कम्युनिकेशन का एरिया है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के लिए, जो रोड वगैरह व्यवस्था है असंबंध आदतों जो है उसको कनेक्टिविटी सही करने का जो है वो उद्देश्य है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, BRLPS की कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव कौन है? BRLPS की कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव कौन है? वो होते हैं CEO, CEO। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 दिसंबर 2016 को लकी ग्रेच योजना और डीजी धन व्यापार योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किए थे भारत सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कपाट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देती है? कपाट द्वारा निम्नलिखित में कौन सी योजना जो है ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देती है? वो है कला, आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सावित्री बाई फुले कन्या कल्याण पुरस्कार योजना के लिए जो है कौन सा परिवार पात्र है? सावित्री बाई फुले कन्या कल्याण पुरस्कार योजना के लिए जो है कौन सा परिवार पात्र है? तो इसका सही आंसर होगा ए, एक BPL परिवार ने AP ऑपरेशन के बाद एक या दो बालिका, AP ऑपरेशन करने के बाद एक या दो बालिका को ये लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा बालिका शिक्षा योजना BSPY के लिए कौन सी मानक लड़कियां प्राप्त है? यह है 9th स्टैंडर्ड BSPY, ये होता है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है वो कितने स्टैंडर्ड तक मिलता है? 9th स्टैंडर्ड तक, ठीक है? तो ये होता है BSPY का फुल फॉर्म।
ये जो फुल फॉर्म है आप देख लीजिएगा, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है वो 9th स्टैंडर्ड तक की स्कॉलरशिप जो है ये मिलता है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सहायता जारी करने के बाद राज्य सरकार अपने हिस्से को DRGA के डैश भीतर में जारी करते हैं, तो ये है आपको एक महीने के अंदर जो है DRGA को जो है जारी करते हैं, DRDA जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, ठीक है, DRDA का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IAY का उद्देश्य मुख्य रूप से अनुदान प्रदान करना है, किसको अनुदान प्रदान करना है, यह है BPL परिवार के घरों के निर्माण के लिए, BPL परिवार के जो है घरों के निर्माण के लिए इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। IAY का फुल फॉर्म हो गया इंदिरा आवास योजना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिसने पूरा वीडियो देखा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।